हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो होने वाला है स्पेसिफिकली सेरिबेलम के लिए कि मैंने सेरिबेलम को कैसे यूज़ किया, उसके क्या ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत ही अच्छे लगे मेरे को ओवर द टाइम, और मैं सारा मतलब बताऊंगा आपको चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगी। और सेरिबेलम जो ऐप है उसके बेस्ट चीज़ को मतलब वो एक तरीके से बेस्ट चीज़ प्रोवाइड कर रहा है इस समय स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल टेक, मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं उसके बारे में, मैंने सेरिबेलम के बारे में। सो सेरिबेलम मैंने लिया था अपनी सेकेंड रीड में। फर्स्ट रीड में मैं BTR कर रहा था, तो BTR तो थ्रू आउट था ही जो सेरिबेलम प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो सेरिबेलम ऐप है उसका मैंने मिशन क्लासेस ली हुई थी अपने सेकेंड रीड के दौरान, ठीक है। बट मेरा सोर्स तो जो सोर्स था वो तो था मेरा मैरो का और BTR का, बट सेरिबेलम ऐप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, मेरे को नहीं लगता शायद किसी और ऐप इस समय वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मैं एग्जांपल से शुरू करता हूँ आपको। पहला, मिड डे मॉड्यूल्स होते हैं और लेट नाइट PYQs होते हैं। ये मैं करता था, इनसे बहुत फ़ायदा होता था, क्योंकि जैसे एक होता है ना, अपने को टेंशन होती है कि PYQ सॉल्व करने हैं। जब हम एग्ज़ाम्स के करीब आ रहे होते हैं तो हमें टेंशन रहती है यार PYQ सॉल्व करने हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ी मतलब टेंशन मेरे दिमाग से हट गई, क्योंकि अब क्या करना है, रोज़ रात को 50 क्वेश्चन के आने वाले होते हैं मॉड्यूल्स, आपको बस उनको सॉल्व करना, ऑटोमेटिकली आप सारे PYQs आप गो थ्रू कर जाओगे। तो ये PYQs शुरू होते हैं टुवर्ड्स दे जब आपका एग्ज़ाम नियर आ रहा होता है, तो उससे पहले ये अच्छा खासा टाइम स्पैन होता है जब रोज़ 50 क्वेश्चंस के मॉड्यूल रात को सिर्फ PYQs आपको एज अ मॉड्यूल प्रैक्टिस करने के लिए सेरिबेलम ऐप में आपको टेस्ट में सेक्शन में दिखना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई बहुत ही बेनिफिशियल। सेकंड चीज़ होती है मिड डे मॉड्यूल्स। क्या होता है, जब हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती है अराउंड लंच के बाद या जो भी आपका अपना टाइम हिसाब से, तो दिन में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन तो लगानी है, ऑब्वियसली हर दिन लगाने हैं क्वेश्चन, तो उसमें ये हेल्प करते हैं मॉड्यूल्स। इसमें मिक्स बैग क्वेश्चन भी होते हैं, इसमें सब्जेक्ट वाइज भी होते हैं, तो इसमें हर तरीके की चीज़ होती है। और इससे फ़ायदा होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी बनी रहती है, मिक्स बैक कर लो, या अगर आपको किसी सब्जेक्ट का पढ़ के आपने किया है तो उसके थ्रू कर लो, ठीक है, ये होगी। इसके अलावा GT रिव्यू जो बहुत ही बड़ा एक मैं कह सकता हूँ प्रॉब्लम सब लोग जो फेस करते हैं GT रिव्यू की, वो बहुत हद तक अब मैं कह सकता हूँ सॉल्व हो गई है, क्योंकि कई लोग अकेले प्रिपेयर करते हैं तो दिक्कत ये होती है कि GT रिव्यू करना एक टॉर्चर सा लगता है, हो नहीं पाता लोगों से, समझ में नहीं आता कैसे क्या करना है। ये फीचर जब मैंने देखा जब सेरिबेलम में, मैं बहुत खुश हुआ था। इसमें क्या हुआ, जो हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं नीचे टेक्स्ट पढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब और या फिर आपको वीडियोस देखनी होती है लंबी लंबी डिस्कशंस की वीडियो, तो सेरिबेलम ने बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स कर दिया। उन्होंने क्या कहते हैं, एक आपकी फुल वीडियो भी निकाल दी 4-5 घंटे की, जिसको एक साथ देखनी है सारे सब्जेक्ट्स का TND वो कर सकता है, नहीं उससे और बेटर कर दिया उन्होंने, हर क्वेश्चन जो टीचर ने डिस्कस किया है उस क्वेश्चन के नीचे उस क्वेश्चन की क्लिप ऐड कर दी। आपका टेक्स्ट तो है ये जो एक्सप्लेन कर रहा है, उसके साथ ही साथ एक वीडियो की क्लिप जो है वो ऐड कर दी। अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, आप साथ ही साथ आप सीखते जा रहे हो कि टीचर कैसे सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन और वो कैसे अप्रोच, जब क्वेश्चन देखा तो आप एक तरीके से 1-on-1 टीचर से पढ़ रहे हो वहाँ पे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। और ये इतनी अच्छी चीज़ लगी मेरे को कि अभी तक ऐसी वाली चीज़ मैंने मैरो में नहीं देखी। इसके अलावा कहीं भी मैंने अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी कि एकदम क्लिप है आपके पास पढ़ा हुआ, आपने वो क्वेश्चन को खोला, क्लिप आपने सुन ली और आपने अप्रोच सीख ली कि कैसे सॉल्व करना है जो फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो। तो ये चीज़ मेरे को बहुत शानदार लगी, ठीक है। और बताता हूँ और क्या बढ़िया चीज़ें थी इसमें। क्या था, एक जैसे क्वेश्चन बैंक बहुत वास्ट होता है तो सबके पास टाइम नहीं होता क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने का, तो सेरिबेलम वालों ने इतनी अच्छी एक चीज़ की, उन्होंने फैकल्टी के थ्रू क्वेश्चन बैंक में से सेलेक्टेड सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस फिल्टर आउट कराए और उनके मॉड्यूल्स दिए सब्जेक्ट वाइज। तो ये मॉड्यूल्स मैंने सारे ऑलमोस्ट लगाए हुए थे, इनसे मतलब बहुत अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था इनको करने में, क्योंकि पूरा क्वेश्चन बैंक करने का टाइम था नहीं, तो ये सिर्फ सेलेक्टेड मॉड्यूल जब करता था, जैसे फार्माकोलॉजी के 3 या 4 मॉड्यूल्स थे उसमें, मतलब मेरे को क्वेश्चन बैंक करने की जरूरत नहीं, ये मैं 3-4 मॉड्यूल जो खुद GRG सर ने खुद पिक करके हैंड पिक करके दिए हैं, ऐसे सारे फैकल्टीज़ ने अपने सब्जेक्ट वाइज उन्होंने फ़िल्टर आउट करके क्वेश्चन बैंक से वो दिए थे। तो ये वाली चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी थी सेरिबेलम की। इसके अलावा जो अपने GTs होते हैं, मैं ये कहूँगा कि देखिए मैरो के GTs अपने एक तरफ होते हैं, सेरिबेलम के GTs इज़ लाइक एक्चुअल NEET PG। मैंने एक दो दोस्तों से और सबसे बात की है, तो मैं जो सेरिबेलम के GT हैं वो सबसे क्लोज आपको मिमिक करेंगे NEET PG के एग्ज़ाम में। मैरो के GTs हमेशा ज़्यादा ही टफर साइड चले जाते हैं कभी, बट जो एक्चुअल अगर आपको NEET PG का एग्ज़ाम कैसा होता है उसके लिए आपको सेरिबेलम GT देके देखिए आप,
एकदम वैसे ही पैटर्न, वैसे ही डिफिकल्टी, कितने डिफिकल्ट रखने हैं, कितने मॉडरेट, कितने इजी, किस टॉपिक वाइज, मतलब एक कंप्लीट आप कह सकते हो कि नीट पीजी जैसा पेपर ही उसमें आएगा। और मैंने एक सेरिबेलम का जीटी दिया था, उसमें मेरे अराउंड 146.8 करेक्ट थे और मेरे नीट में भी उतने ही एग्जैक्ट नंबर ऑफ करेक्ट्स आए। तो इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि एकदम वो नीट पीजी को आप को आपको जानना है कि आपकी क्या आएगी तो उस कितने करेक्ट्स होंगे, तो वो आप थ्रू सेरिबेलम दे के देख सकते हो। ठीक है, सेरिबेलम क्योंकि अभी एक रिसेंट ऐप था, मतलब अभी आई थिंक 3 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, बट सबसे अच्छी बात सेरिबेलम की यह है कि यहाँ पे आपके फीडबैक को सुना जाता है और उस ऐप को फिर रिफाइन किया जाता है आपके इनपुट्स पे। मतलब अगर आपको कोई फीचर है जो सबको पसंद है या कोई फीचर चाहिए तो आप वो ऐड करवा सकते हो, कुछ है तो वो फीचर ऐड वो हट भी जाता है। मतलब ये चीज़ आपको किसी ऐप में नहीं मिलेगी कि आपको कोई फीचर चाहिए ऐप में तो हो सकता है आपको ना मिले, आपको उसके बिना ही काम चलाना पड़े। बट सेरिबेलम में सबसे जो अच्छी बात मेरे को ये लगी, जो बोलते हैं बाय द टीचर्स फॉर द स्टूडेंट्स, वो लिटरली उसके लिए स्टैंड करते हैं। अगर स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो वो उस फीडबैक को लेके अपने ऐप में इंक्लूड करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को आसानी रहे। एंड आई थिंक इसी वजह से सेरिबेलम जो है इतना एक इस समय बहुत एक अच्छा ऐप हो चुका है नीट पीजी प्रिपरेशन के लिए। ओके गाइस, और ये जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस वाले जो क्वेश्चन बैंक्स है ना, ये आपको टेस्ट सेक्शन में नीचे स्क्रोल करिए तब वहाँ पे जाके आपको मिलेंगे, क्योंकि ये लास्ट ईयर इन्होंने वो मॉड्यूल्स बना के मिड डे मॉड्यूल्स और सब्जेक्ट का उसमें नाम लिखा रहेगा। एक मैं क्लिप यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, उसमें ऑब्सगाइनी और पीडियाट्रिक्स के आपको दिखेंगे मॉड्यूल्स नीचे स्क्रॉल करने पे, क्योंकि लास्ट ईयर वो क्या कहते हैं वो हुए थे, इंट्रोड्यूस हुए थे। इसके अलावा एक अगर एक चीज़ और कि हाँ, आईपैड ओएस अगर आप बाय करोगे तो उसके चार्जेस ज़्यादा हैं, क्योंकि एप्पल स्टोर आई थिंक ज़्यादा चार्ज करता है। तो अगर आपको बाय करना है तो आप आराम से अपने एंड्रॉयड फ़ोन से बाय करिए, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप बाय कर लीजिए। आईपैड और एप्पल स्टोर से क्या होता है, थोड़ा उनके मेरे को लगता है चार्जेस ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ जाता है। एक ये छोटी सी चीज़, क्योंकि लोग कन्फ्यूज रहते हैं, कभी कभी लोग आईपैड मतलब एप्पल से ख़रीद लेते हैं, तो अगर आप उससे नहीं खरीदेंगे तो आप अपने जो पैसे हैं वो भी बचा सकते हैं। ये था सारा सेरिबेलम मैंने कैसे यूज़ किया। कोई भी डाउट्स और कुछ भी आपको पूछना है तो आप नीचे लिंक कमेंट्स कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ओके पीस।